हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैंगन से एक नए तरीके का स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए क्या करना है, आपको एक बैंगन लेना है मीडियम साइज़ का। उसके मैंने, आप देख सकते हो जो साइज़ मैंने कट किए हैं उसके अकॉर्डिंग 3 पीसेस आएंगे उस बैंगन में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, 2 पीस मैं काट चुकी हूँ, उसके साइज़ ये हैं। मैंने ये पूरा बैंगन काट के रेडी कर लिया है, ठीक है। इसको अब धोना है अच्छे से, और ये इतना एश्योर कर सकती हूँ मैं आप लोगों को कि ये बनाने पे इतना टेस्टी बनेगा कि जिनको बैंगन पसंद नहीं है वो भी मज़े से इसको खाएंगे। इसको आप एज ए चाय के साथ स्नैक्स या खाने के साथ भी इसको ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से साफ करके धो लिया है, ठीक है। अब इसका बैटर बनाएंगे। बैटर में कैसे बनाएंगे, बैटर में हम बेसन और चावल का आटा और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो मैं आपको अभी बताऊंगी। ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो सबसे पहले तो बेसन, ये चावल का आटा है, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी भी अंदाज से डालेंगे हम, मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर कम ज़्यादा जैसे भी जिसको पसंद हो उसके हिसाब से डालेंगे, और ये है कलौंजी। आपको पता होगा ये कलौंजी है, ये देखिए इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डालेंगे, इससे थोड़ा टेस्ट में फ़र्क आता है, थोड़ा चेंज आता है। और ये है शुगर यानी कि चीनी। चीनी को इसलिए डालना है, उससे क्या होगा, ये जो हम नमक और ये जो मिर्ची डालेंगे ना उसका ये बैलेंस करता है, तो टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है और वो टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बैटर बनाने के लिए हमें एक बड़ा सा ऐसा पतीला लेना है, ठीक है, एक बाउल लेना है। हमने ये बैटर तैयार कर लिया है, इसमें मैंने 3 चम्मच बेसन और 3 चम्मच चावल का आटा डाला है, बाकी मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अगर आपको क्रिस्पी बनाना है थोड़ा सा तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा चावल का आटा ऐड कर सकते हैं, बट ये बैटर हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इस स्पून से 2 स्पून पानी और डाला है, क्योंकि हमें बैटर इस तरीके का चाहिए जो थोड़ा सा बैंगन को कोट कर ले, बिल्कुल पतला वाला बैटर नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऑन करेंगे और गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम रिफाइन ऑयल डाल के अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल इतना डालना है जैसे कि फ्राई हो जाए, ठीक है। अब तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये बैंगन का स्लाइस एक लेंगे और इस बैटर में इसको डिप करेंगे, ऐसे इसको कोट करेंगे हम अच्छे से। करके अब हम तेल में डालेंगे ऐसे धीरे धीरे करके, एक एक करके सारे बैंगन के स्लाइस को ऐसे कोट करेंगे और इसमें ऑयल में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 4 स्लाइसेस डाले हैं। अब इसको धीरे धीरे हम दोनों तरफ से अच्छे से पलट के इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, जब तक थोड़ा सा क्रिस्पी ना हो जाए, क्योंकि बैंगन तो वैसे ही सॉफ्ट होता है, जल्दी से पक जाता है और ऑयल भी ज़्यादा है तो डीप फ्राई हो रहा है तो जल्दी से वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमें ये गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, अब इसको हम निकाल लेंगे अच्छे से, ऑयल को छान के टिश्यू पे निकाल लेंगे इस तरीके से। अब ये रेडी है बिल्कुल सर्व के लिए, ठीक है। आप इसको सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो।